तो एस्पिरेंट्स, मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि हम जो मैथ्स का प्लानिंग किए हैं कि 2 महीने में वीकली टारगेट के फिक्स थ्रू हम लोग मैथ्स की प्रैक्टिस कैसे करेंगे, मैथ्स का नोट्स कैसे बनाएंगे, इन सब चीज़ों पे मैं अपने प्लान बताता हूँ इस वीडियो में। मैंने टोटल पूरे मैथ्स के सिलेबस को 9 वीक में बांटा है, और 9 वीक में 1 वीक में आपको एक टॉपिक बनाना है। और इसको कैसे करना है, सिलेबस अगर मैं स्क्रीन में दिखा पाऊँ तो इसमें आप देखेंगे कि वीक 1 में परिमेय संख्या रेशियो नंबर वाला जो टॉपिक होगा वो आपको 1 वीक में करना है, जो हमारा ऑलरेडी 18 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है। वो नेक्स्ट संडे तक आपका 1 वीक होगा, उस वीक में आपको इस टॉपिक को कंप्लीट करना है। आपकी 10th की बुक में ये अच्छे से दिया हुआ है, आप उससे पढ़ेंगे। उसके ऊपर मैं क्वेश्चन ला के दूंगा, लगभग लगभग उस टॉपिक के सारे क्वेश्चन उसमें कवर हो जाएंगे। इसके बाद मैं उस क्वेश्चन के आपको प्रैक्टिस करना है। उस क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद मैं उसी जो क्वेश्चन मैंने आपको तो दिया है उसका 2 से 3 दिन बाद आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। उसको आपको फिर से अपनी कॉपी में बनाना है। इस तरीके से क्या होगा कि आपका एक मैथ्स का एक वीक में एक टॉपिक का एक नोटबुक तैयार हो जाएगा। सबसे बड़ी संघर्ष हम लोग इसी में करते हैं कि मैथ्स की प्रैक्टिस करना कहाँ से है। 2-3 बुक ढूंढ लेते हैं और फिर हम लोग संघर्ष करते रहते हैं कहाँ से पढ़ें कहाँ से पढ़ें। लेकिन अगर मैथ्स का अगर प्रैक्टिस करते करते ही आपका एक नोट्स तैयार हो जाए तो इससे बड़ी अच्छी चीज़ और आपकी हो ही नहीं सकती। तो फर्स्ट वीक में आपको ये देखना है। सेकेंड वीक में होगा अनुपात और समानुपात वाला टॉपिक हमारा। सेकेंड वीक में ये अनुपात और समानुपात वाला टॉपिक करना है आपको। और इसी तरीके से रेशियो एंड प्रोपोर्शन। थर्ड वीक में होगा कमर्शियल मैथमेटिक्स, वाणिज्यिक गणित, बैंकिंग और इनकम टैक्स, LCM, HCF, ये सारी चीज़ें थर्ड वीक में हम लोग करेंगे। और ये सारी टॉपिक हैं 10th के बुक में मिल जाएगी। अनुपात समानुपात भी 10th के बुक में मिल जाएगा, लेकिन इसका एडवांस वर्जन जो क्वेश्चन में पूछा जाता है टफ वाला, वो आपको आर्यभट्ट वाली बुक या फिर देवांगन पब्लिकेशन की जो बुक आती है आप वो खरीद सकते हैं। तो आर्यभट्ट और या फिर देवांगन में बुक में इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल अच्छे अच्छे दिए हुए हैं, आप उससे प्रैक्टिस करेंगे, खास करके अनुपात समानुपात वाला जो चैप्टर है उसको। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन भी बना के दूंगा, आपको उस के ऊपर टेस्ट होगा, आपको फिर उसको टेस्ट को सॉल्व करना है ताकि आपकी मैथ्स में थोड़ी पकड़ और बढ़े। उसके बाद उसी क्वेश्चन को ही आपका नोटबुक बनेगा, नोटबुक के क्वेश्चन बनेंगे और उसके सॉल्यूशन भी मैं प्रोवाइड करूंगा। तो उस सॉल्यूशन को ही आपको अपने कॉपी में लिखते जाना है। इस तरीके से आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता जाएगा। थर्ड वीक में वाणिज्य गणित है, ये आपका 10th का बुक में है। LCM HCF वाला जो टॉपिक है ये आर्यभट्ट या फिर देवांगन पब्लिकेशन की जो बुक खरीदेंगे उसमें अच्छे से लिखा हुआ है, तो आप उससे प्रैक्टिस करेंगे। और फोर्थ वीक में होगा वैदिक गणित, जोड़ना घटाना जो है, और ये होगा हमारा 10th की बुक में। इसके अलावा जो आर्य गणितज्ञ हैं हमारे इसी चैप्टर में, भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, श्रीनिवास रामानुजन, इन सब के बारे में जो योगदान है इसको भी हम लोग अपनी कॉपी में नोटबुक में लिखेंगे। ये आपके 10th बुक में मिलेगा, लेकिन इसका एक अच्छा सा नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगा जो आपको एक उस टॉपिक के कंप्लीट कवरेज करेगा। उसके बाद आपको जो आर्यभट्ट वाले गणितज्ञ के योगदान वाले चैप्टर है उससे फिर आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये फोर्थ वीक की टॉपिक होगा। इसी तरीके से फिफ्थ वीक में आपका गणितीय संक्रियाएँ होंगी। फिफ्थ वीक में मैथमेटिकल ऑपरेशन, बेसिक न्यूमरेसी, डाटा इंप्रिटेशन, एनालिसिस ऑफ डाटा, तो ये कुछ रीजनिंग के टॉपिक हैं। तो रीजनिंग के लिए आपको दीपक कुमार की बुक खरीदनी है, तो दीपक कुमार की बुक से आप रीजनिंग की प्रैक्टिस करेंगे। खास करके हम लोग देखते हैं 10 से 10 नंबर 8 नंबर वाले क्वेश्चन जो बड़े नंबर हैं उसमें रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 2 नंबर 4 नंबर में भी क्वेश्चन आते हैं। तो आपकी रीजनिंग की भी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, इसके लिए आप दीपक कुमार की बुक खरीदेंगे, उसमें आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। उसके हम उस पर भी क्वेश्चन लेके आएंगे और उसके भी सॉल्यूशन बनाएंगे और नोटबुक साथ में तैयार करते जाएंगे। और इसके बाद है 6th वीक में समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, तो ये स्टैटिस्टिक्स चैप्टर है। तो इसमें 10th की बुक में ठीक दिया है, लेकिन RD शर्मा की बुक अगर आपके पास हो तो ये चैप्टर RD शर्मा की बुक में भी अच्छी से दी हुई है। तो इसके ऊपर भी ये प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, सॉल्यूशन करेंगे, अपना एक नोटबुक तैयार करेंगे। 7th वीक में हुए लाभ हानि प्रतिशत ब्याज, तो प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज इंटरेस्ट एंड एवरेज वाला जो टॉप चैप्टर है 7th वीक में कंप्लीट करेंगे। उस वीक में हम लोग इसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, विथ प्रैक्टिस नोटबुक तैयार करेंगे और हमारा वो नोट्स जो होगा उसके बाद हम लोग किसी बुक को भी नहीं पढ़ेंगे। तो इस तरीके से 7th वीक कंप्लीट हो जाएगा, 7th टॉपिक।
एट्थ वीक में टाइम स्पीड डिस्टेंस जो होगा रिवर एंड बोट वगैरह, समय गति दूरी नदी नाव, ये सारे चैप्टर को एट्थ वीक में कंप्लीट करेंगे। नाइन्थ वीक में जो होगा उस रीजनिंग के कुछ और टॉपिक्स हैं जैसे एनालॉग टेस्ट, ओल्ड वर्ड, ऑड वर्ड, ऑड पेयर एंड वर्ड्स, कोडिंग डिकोडिंग, रिलेशन, सिचुएशन, जनरल मेंटल एबिलिटीज़, ये सारे कुछ रीजनिंग के टॉपिक हैं। सादृश्य परीक्षण, विषम शब्दों में शब्दों का विषम जोड़ा, सांकेतिक भाषा परीक्षण, संबंधी परीक्षण, वर्णमाला परीक्षण, प्रतिक्रिया परीक्षण, तथ्यों का लुप्त हो जाना, बीच में जो मिसिंग डाटा को ढूंढना होता है, वो सारी चीज़ें। तो ये भी आर डी सर, ये दीपक कुमार की जो रीजनिंग वाली बुक होगी उसमें ये मिलेगी। तो आपको क्या करना है, टेंथ का बुक के सेलेक्टेड टॉपिक का फोटोकॉपी आपके बिलासपुर के महामाया बुक डिपो में मिलता है। जिनके पास अगर बुक नहीं हो तो पूरा बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, उसके सेलेक्टेड टॉपिक जो हैं उसकी फोटोकॉपी महामाया बुक डिपो बिलासपुर में मिल जाता है, आप वहाँ से परचेस करेंगे। इसके अलावा मैथ्स की प्रैक्टिस के लिए एक आर्यभट्ट या फिर देवांगन पब्लिकेशन की जो बुक आती है वो आप लेंगे। रीजनिंग के लिए आपको दीपक कुमार की बुक लेनी है। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। इसके बाद हमारा एक फाइनल साथ में साथ एक वीक में एक सब्जेक्ट का एक टॉपिक का नोट्स बनता जाएगा। इस तरीके से हम लोग पूरी पूरी मैथ्स को रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, एक नोट्स प्रिपेयर करेंगे। लास्ट के दो महीने में, शुरू के दो महीने में सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी हमारी, आखिरी के दो महीने में सिर्फ उसी मैथ्स का 5 से 10 बार प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारा मैथ्स में मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कर सकें, 50 out of 50 भी स्कोर कर सकें। मैं व्यक्तिगत बताऊँ तो आई गॉट 46 out of 50, तो मैथ्स में स्कोर अच्छा होता है। और इसमें ऐसा नहीं है कि आप स्टेप बाय स्टेप अपने आंसर लिखेंगे तभी आपको मार्क्स मिलते हैं, फाइनल आंसर आपका आना चाहिए तो मार्क्स मिल जाता है। 8 नंबर के भी सवाल में अगर पूरे पेज भी ना भरे, 5-7 लाइन में ही आपने आंसर ले आया तो आपको पूरे के पूरे 8 नंबर मिलते हैं। तो हमारा जो पेपर 4 का मैथ्स का चैप्टर होगा, मैथ्स का टॉपिक मैथ्स का सब्जेक्ट है, तो अगर 50 मार्क्स का होता है तो आपको अगर 3 घंटे के पेपर में 50 मार्क्स के लिए ये मानते हैं कि 50 मिनट मिल रहे हैं, तो अगर आप 45 मिनट अच्छी प्रैक्टिस हुई तो 45 मिनट में ही मैथ्स की प्रैक्टिस कंप्लीट कर लेते हैं। मैथ्स वहाँ पे सॉल्व आपने 45 मिनट में कंप्लीट कर लिया तो आपके पास 150 मार्क्स के लिए एक्स्ट्रा 2 घंटा 15 मिनट बचता है। तो आप सारी पेपर 4 को अच्छे से लिख सकते हैं। पेपर 4 में लोग क्वेश्चन कंप्लीट अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते हैं, उसकी मेन कारण यही होती है कि मैथ्स में प्रैक्टिस अच्छी नहीं होती है तो मैथ्स में ही 1.5 घंटा लगा देते हैं, तो बाकी 1.5 घंटे में ही वो 2 पेपर लिखते हैं और कुछ भी कुछ लिख के आ जाते हैं, तो मार्क्स पेपर 4 में नहीं मिलते हैं। पेपर 4 में स्कोरिंग करने का सबसे अच्छा तरीका है साइंस को अच्छे से याद करना है, मैथ्स की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है और वो भी अच्छे से। और मैथ्स में स्कोर अच्छा होगा तो पेपर 4 में हमारा स्कोर 140 प्लस हो सकता है, जो हमारे रैंक को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता है और हमारी सेलेक्शन की जो चांसेस हैं उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता है। तो ये हमारा 9 वीक में मैंने सिलेबस को डिवाइड किया है मैथमेटिक्स के, तो इस 9 वीक में हम लोग पूरा मैथ्स का प्रैक्टिस करेंगे, नोटबुक तैयार करेंगे। इसके ख़त्म होने के बाद ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी हम लोग सॉल्व करेंगे। पिछले जितने भी ओल्ड क्वेश्चन मैथ्स में आए हुए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो हम लोग इसको कंप्लीट करने के बाद ओल्ड क्वेश्चन पेपर एक दिन में एक साल का इस तरीके से 1 वीक में 7 साल का कंप्लीट हम लोग मैथ्स का ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी बनाएंगे, तो हमारा उसका भी नोट्स बनेगा। और इतना करने के बाद आपको मैथ से डर खत्म हो जाएगा, अच्छी सी प्रैक्टिस करें हैं तो मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। तो इस तरीके का हमारा मैथ्स का प्लान चलेगा। अब बताइएगा आप इसमें आप कहाँ तक सहमत हैं, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अब अगर अच्छा लगा तो कमेंट बताइएगा, लाइक करिएगा और हमारा यही रूटीन चलेगा। तो हम लोग इस वीक का आपको फर्स्ट टॉपिक मिल चुका है, नेक्स्ट वीक में नया टॉपिक मिलेगा, इस तरीके से हम लोग मैथ्स को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।